हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने बेसिक टू एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, साथ साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कवर किए हैं, जो कि आजकल लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन नंबर वन आस्क, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत में राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होंगे उनके बारे में बताता है। वो अपना आर्टिकल है आर्टिकल 52। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। यहाँ पे जो आर्टिकल 52 है ये राइट आंसर है, ये कहता है देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चंस आजकल लगभग सभी जितने हमारे मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन से सही है ये आपको बताना है। उसके लिए सुटेबल जो कॉम्बिनेशन है वो नीचे ए बी सी डी ऑप्शन में दिया गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट। हमारे संविधान का जो पार्ट फोर है वो बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो पार्ट फोर है वो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। पार्ट फोर ए जो है उससे जुड़ा हुआ वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। जो प्रेसिडेंट है उनकी बात करेगी पार्ट फाइव में, जो यूनियन की बात करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनेट हेड ऑफ द स्टेट। ये बिल्कुल सही है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट होते हैं, क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो उनके हाथ में रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एंड जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है डायरेक्ट इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन किए जाते हैं, तो ये गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जहाँ पे जो पीपल है, जो पब्लिक है, वो डायरेक्टली जाकर इलेक्ट करती है, अपना वोट कास्ट करती है एंड चुनती है। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए इनडायरेक्टली इलेक्शन किया जाता है। जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक एमएलए हो गए, एमपी हो गए, वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही गलत है। जो सही है वो है स्टेटमेंट सेकेंड, नॉमिनेट हेड कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली टू, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ये पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जो है उनके इलेक्टोरल कॉलेज में इनमें से कौन नहीं आता है, जो चार ऑप्शन दिए गए। पहले समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज सिंपली बॉडी ऑफ इलेक्टर्स हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में कौन लोग भाग ले सकते हैं, उनका उनकी एक सूची, उनका एक ग्रुप होता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, वहाँ पे हमारे द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं आता है। तो हमारे जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही आते हैं। हमें पता करना है कौन नहीं आता है। जितने भी हमारे जितनी विधानसभा हैं हर स्टेट में, उनके जो एमएलए होते हैं इलेक्टेड वो भी आ सकते हैं, वो भी वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जो एमएलसीज होते हैं, जो विधान परिषद होती है कुछ राज्यों में, जैसे यूपी विधान परिषद है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो अपना वोट नहीं कास्ट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे पार्लियामेंट जितने मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, वो सभी वोट कास्ट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारी जितनी राज्य विधानसभा है उनके जितने एमएलए हैं वो सारे वोट कास्ट करते हैं, एंड हमारी जो यूनियन टेरेटरीज हैं दिल्ली एंड पाण्डिचेरी, जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ के मेंबर्स भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन जो एमएलसीज होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन डी हमारा है वो सही होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। कौन? जो एमएलसी होते हैं स्टेट के। ओके, सो ऑप्शन डी इज राइट चॉइस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ये पूछता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन्हें रीड करना है, देन कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कौन सी बात इसमें सही हो सकती है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, पहले समझते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है इसे हम देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कहता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा टेक पार्ट। राष्ट्रपति का जब इम्पीचमेंट प्रोसेस किया जाता है, उनको जब उनके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो
भाग लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। सेकंड कहता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट, हमारे राज्य विधानसभा जो एमएलए होते हैं वो भी भाग लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वही भाग लेते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के आते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात कही गई है? तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे संविधान में जो पार्ट 18 है, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, उसके अंदर आर्टिकल 352 है जो डिस्कस करता है कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं इन द कंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, आर्टिकल 52 पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, उसके अंतर्गत, उस पार्ट के अंतर्गत, इमरजेंसी प्रोविजन के अंतर्गत आर्टिकल 352 आता है जिसमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात कही गई थ्रू राष्ट्रपति, बाय राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, देन क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ही और सी, राष्ट्रपति जो भी हो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए विद एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उनकी जो एज है मिनिमम वो 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। शुड बी, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बन सके ऐसी उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट होगा, ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये क्वेश्चन भले ही छोटा है बट काफी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चॉइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री। अभी हमने लास्ट में देखा था तो वो था नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट 18 है जिसमें बात कही गई इमरजेंसी प्रोविजंस की, उसके अंतर्गत सारी जितनी भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है थ्रू बाय राष्ट्रपति वो वहां पर दी गई, तो उसमें आर्टिकल 360 आता है। उस पार्ट 18 का जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसमें जो लास्ट आर्टिकल 360 वो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। साथ में आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल जो पार्ट 18 है जो बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की, उसको आप अगर पढ़ते हैं तो आपको सारी इमरजेंसी जितने भी वो क्लियर हो जाएंगी, वेदर इट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट इज नेशनल इमरजेंसी या जो भी इमरजेंसी हो वहाँ पे उस पार्ट में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 360 जो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, ऑप्शन सी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछता है व्हेन द प्रेसिडेंट डजंट रेटिफाई, रिजेक्ट और रिटर्न अ बिल बट जस्ट कीप्स इट पेंडिंग इनडेफिनेटली व्हाट डू वी कॉल इट। जब राष्ट्रपति के पास जो बिल आता है उनके असेंट के लिए, सहमति के लिए, जो पार्लियामेंट से बिल आता है पास होके, उसे ना तो वो रेटिफाई करते हैं, ना अपना कंसेंट देते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं, ना उसे रिटर्न करते हैं, बट इनडेफिनेट टाइम के लिए उसे पेंडिंग रखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन ने वीटो पावर की बात की। पहले जानते हैं वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर वो राइट है, वो पावर है, वो अथॉरिटी दी जाती है राष्ट्रपति को, जिसके थ्रू वो किसी भी प्रपोजल को, किसी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो वो उनकी वीटो पावर होती है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है क्वेश्चन बताया गया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जब राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो रेटिफाई करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना रिटर्न करते हैं, बट अपने पास पेंडिंग रखते हैं फॉर द इनडेफिनेट पीरियड टाइम, उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चॉइस। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को उनके पद से जो हटाने की प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसके संदर्भ में जो तीन स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन से सही आपको ये चूज करना है? तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कहता है इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो ये प्रोसेस है इम्पीचमेंट की, इसे किसी भी
हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी इसको इनिशिएट किया सकता है, इसकी शुरुआत किया सकती है। मतलब ये जो प्रपोजल है इम्पीचमेंट का, इसे किसी भी हाउस द्वारा लाया जा सकता है। तो ये सही है बिल्कुल। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है इट शुड बी साइंड बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये गलत है, क्योंकि जो प्रपोजल लाया जाता है, जो हाउस ये प्रपोजल लाता है राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की, उसके 1/4 मेंबर्स की साइन की जरूरत होती है। और जब ये प्रपोजल पास कराया जाता है तो वहां पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं उस हाउस के, उनकी सहमति चाहिए होती है फॉर द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इस वजह से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है, 1/3 नहीं होता है। एंड जो थर्ड है वो कहता है कि अ नोटिस ऑफ 14 डेज इज गिवन टू द प्रेसिडेंट बिफोर इट। हाँ ये सही है, जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जाता है तो उसके लिए 14 दिन पहले उनको नोटिस दी जाती है, 14 डेज पहले उनको नोटिस इशू कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है एंड जो थर्ड है वो दोनों सही है, लेकिन जो सेकंड है वो गलत है। सो ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, बट जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर चॉइस। अगेन हमारे पास एक छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर। जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, किसे देते हैं? तो ऑप्शन है ए द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फोर्थ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो ए एंड डी है वो तो बिल्कुल ही इनको इनकरेक्ट है, एंड जो बी एंड सी है उसमें से समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति मतलब त्याग पत्र देते हैं तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो बी है वो सही है। और अगर बात की जाए जिसमें पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है तो उनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो उसके लिए आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस केस में जब शपथ दिलाई थी उस केस में आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन जब त्याग पत्र देते हैं तो उस केस में आते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आजकल की मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ये पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो दो स्टेटमेंट्स दिए गए इन्हें पढ़ें, रीड करें एंड क्या कंक्लूजन होगा वो बताएं। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है हिज और हर टर्म ऑफ द ऑफिस इज 5 ईयर्स लॉन्ग, मतलब जो भी राष्ट्रपति हैं चाहे वो महिला या पुरुष हो, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जो टेन्योर है, जो कार्यकाल की अवधि है वो 5 साल की होती है, बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट सेकंड है वो कहता है ही और सी कैन नॉट अप्लाई फॉर री इलेक्शन टू द सेम पोस्ट, जो भी राष्ट्रपति हैं वो वापस से राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। री इलेक्शन जब होता है राष्ट्रपति का, वापस से वो सेम जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति हैं वो वापस से राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये कहता है स्टेटमेंट सेकंड, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई वो डिसाइड नहीं किया है वो कितनी बार जो री इलेक्शन होता है वो वापस से री इलेक्ट किया जाए, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, इसलिए वो री इलेक्ट किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सिंगल प्रेसिडेंट हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, और ऐसे पहले राष्ट्रपति भी हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही है, लेकिन जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चॉइस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसका कंक्लूजन ये है सिंपल कि जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है वो वापस से रीअपॉइंटमेंट के लिए वो वापस से राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वापस से राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। ये सिंपल कंक्लूजन है लास्ट क्वेश्चन का। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये पूछता है चूज द करेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी है। चूज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो राष्ट्रपति दिए, चार राष्ट्रपति जो दिए गए इनका जो इन्हें जिस डेट पर अपॉइंट किया गया है उस क्रोनोलॉजी में इन्हें इनका सीक्वेंस चूज करना है हमें। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो सेकंड है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड फोर्थ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्हें अरेंज करना है उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए, उसके बाद आ जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड उसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, देन आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि 2002 में 2002 में बने थे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा राइट वो होगा 3 डॉक्टर राधाकृष्णन, 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड 1 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो ऑप्शन डी 3 2 4 1 ये राइट आंसर है, ऑप्शन 3 2 4 1। इसके लिए आप राष्ट्रपति की जो सूची है, भारत के जितने राष्ट्रपति उनकी जो सूची है उसे आप एक बार पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ पाएंगे क्या इनका क्रम क्या होता है। सो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बताता चलूँ कि हमने अपने चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करते हुए उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर वीडियो बनाए हैं, जहाँ पे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और साथ साथ में जो हमारे अथॉरिटीज हैं लाइक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, इन सभी को कवर करते हुए काफी सारे वीडियोज एमसीक्यूज की बनाई है इस चैनल पर, जिसे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है, व्हाट इज द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और एनी अदर रीजन। अगर इनमें से किसी भी वजह से राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता है, वहां वैकेंसी आती है, तो उसे कितने समय के भीतर उस पद को या उस वैकेंसी को फुलफिल कर देना चाहिए, नया राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 20। वो जो टाइम लिमिट दी गई है वो 6 मंथ्स की है, 6 महीने के भीतर आपको नए राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट करना होता है, अगर इनमें से किसी भी रीजन की वजह से राष्ट्रपति का जो पद है वो वैकेंट होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मंथ्स इज द राइट आंसर चॉइस। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। जो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें भारत के राष्ट्रपति की क्या रैंक होती है। तो पहले समझते हैं कि इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एक सूची होती है, उसमें उनका उनकी रैंक, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी अथॉरिटी के साथ उनको अरेंज किया जाता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमेशा, उन्हें फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है, वो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के चीफ भी कहे जाते हैं, चीफ कमांडर भी कहे जाते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति वो हमेशा प्रथम नंबर पर आते हैं। जो सेकेंड है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंट में, थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, फोर्थ पे आते हैं हमारे जितने स्टेट्स उनके गवर्नर्स आते हैं। इस तरह से एक सूची बनाई गई है इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जिसे आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है बेस्ड ऑन द रैंक्स, डेजिग्नेशन एंड पावर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे राष्ट्रपति है उनका हमेशा फर्स्ट नंबर होता है, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर चॉइस। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जिनकी शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन फोर आई मीन या यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो चेयरमैन ऑफ यूएससी। रियल ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं। ये जो चारों ही अथॉरिटीज हैं इन्हें राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, चाहे सीएजी हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चेयरमैन हो यूपीएससी के उसके मेंबर्स हो, सभी का अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एवरी विल पास बाय द पार्लियामेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट द्वारा जो भी बिल पास किया जाता है उस पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है, तभी वो जाके आगे एक्ट बनता है, तभी वो कानून जो है वो पारित होता है एंड पूरे तरीके से लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति की असेंट की सहमति की जो बात कही गई है बिल पर, वो किस आर्टिकल में कही गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 111, आर्टिकल जो 111 अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, उसमें राष्ट्रपति की असेंट की बात कही गई सभी बिल पर जो कि पास किया जाते हैं बाय पार्लियामेंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 111। अब हम डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक तरह से देखा तो दो क्वेश्चन कवर किए हैं, दो क्वेश्चन कवर किए हैं एक सिंगल क्वेश्चन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, एंड यहाँ पे दूसरा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये हो सकता है कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उन्हें उनके गवर्नर्स अपॉइंट करते होंगे, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे दोनों ही कोर्ट्स के, दोनों कोर्ट्स मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट या जितने भी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस हों या फिर उनके जजेस हों, सभी का अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये यहाँ पे मेजर ट्रुथ है एंड इस वजह से दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, गवर्नर नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या फिर दोनों के जस्टिस ही क्यों ना हो, चीफ जस्टिस ही हों। तो इस वजह से दोनों आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आई गेस, आई होप कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रेपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। साथ ही अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच,
कीप वॉचिंग प्रोएक्टिव लर्निंग ऑफिशियल. थैंक यू.